रहे हैं, आपका नेट खराब है। हाँ भाई, कुछ बेहतर हुआ है? हाथ हिलाओ। हाँ बेहतर हो गया, बल्कि शुरू शुरू हो गया, शुरू हो गया। शुरू। हाँ भाई साहब तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वाह भाई वाह, नजर तो आऊंगा तुम आएगी यार? मैं आऊंगा, मैं सिर्फ 3-4 दिन मैं घर पे था, मगर एक मैंने कभी एक पोएट्री पढ़नी है, वो मैं पढ़ लू। जबरदस्त एक पोएट्री मुझे किसी ने दी है, वो मुझे कहा है कि इसको आप पढ़ें यार, और बस वो मैं उनको सेंड करूंगा। वो कोई एक सोशल एक मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत। और फिर किसी ने कहा है फैज अहमद फैज पढ़े, वो भी उन्हीं साहब ने कहा है। मगर मैं तुम्हारे घर आऊंगा भाई। हुमायूं की जो बेगम है, जो हमारी भाभी है, जिनको मैं प्यार से बहुत कुछ कहता हूँ, तो क्या जबरदस्त खाने बनाती है वो। और मैंने ऐसी मछली वाली बिरयानी कभी नहीं खाई, मैंने जिंदगी में पहली दफा मछली की बिरयानी खाई है। तो वो मैं जिस वो आज, जब आगे आज, आज वो जिस दिन बन रही होगी तो पुलाव बनावे, आज पुलाव बहुत जबरदस्त पुलाव बनावे, तो मैं आ सकता हूँ ना? दूर दूर तो बैठ सकते हैं यार तुम्हारे? हाँ दूर बैठ सकते, मैं तुम्हें जगह बताता हूँ जहाँ हम बैठते हैं ना, ये मेरे घर के बाहर लिखा हुआ है, ये देखो, ये ना एक पार्क है, सही है? हाँ हाँ हाँ, ये पार्क है, यहाँ पे हम बैठे। मुझे आसमान नजर आ रहा है। ओ सॉरी, ये देखो। अच्छा ठीक है। हाँ इस पे ना अभी वो इमरान अशरफ भी आया था, वो तुम्हारी फिल्म वाला हीरो इमरान अशरफ, नॉट कोई और, हीरो बोला है, हीरो तुम्हारा हीरो, तो वो आया था, तो फारूक उमर भी आया था। तो हमने ऐसे ही किया कि दूर दूर बैठ गए, और वो सना का केक भी हमने यहीं काट दिया था। तो बस सही है, तो खुली अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं। तो बस मैं इंशाल्लाह आऊंगा आज, मैं इंशाल्लाह तो रात को खाना खाओ। खा के आज शबे बारात की भी रात है वो, हाँ तो खाना तो खाओगे ना? हाँ क्यों नहीं खाऊंगा यार, क्या बात करी यार। रोजा आज रखते हैं कि कल रोजा रखना होता है? कल रखेंगे, आज रखेंगे तो कल होगा रोजा। रोजा रखूंगा यार, चलो मेरे ख्याल में सबको रखना चाहिए, तुम भी रखो रोजा। यार क्या जमाना आ गया, हम लोग देखो कैसे बात कर रहे हैं। मुझे जितनी फोन से वीडियो कॉल से नफरत थी, अल्लाह ने वहीं लाके खड़ा कर दिया कि बेटा ऐसी बात करो। देखो अल्लाह मियां ने आपको वहां खड़ा कर दिया जहां आप सोच भी नहीं सकते थे, तो आई गेस हमें अल्लाह मियां को राजी करना पड़ेगा। और ये छोटा सा एक ट्रेलर है अल्लाह मियां, इतनी देर से मैं बताऊं कि वो तकफार करना है सीरियसली, माफिया मांगो। हमारा ड्रामा दोबारा शुरू हो गया भाई। और हाँ मैं देख रहा था, मैंने कल वाली एपिसोड देखी थी, वो सारा गड़बड़ शुरू होने वाली है जहाँ से ड्रामा उठा था उस सिचुएशन। मेरा 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 ये एतराज सिर्फ ये है कि यार जल्दी जल्दी वो सब कर देंगे, खत्म हो जाएगा, उसको वैसे ही दिखाना था जैसे था। आई नो, मगर वो मजबूरी भी है ना आजकल, जरा ड्रामे जो एग्जिस्टिंग ड्रामे थे वो शूट पे नहीं रुक रहे, शूट रुकी हुई है, जो सारा कंटेंट बन रहा था वो रुक गया है, तो बड़े मसाइल हैं। तो उसको वैसे तो उसने वंस अ वीक ही चलना था ड्रामे ने, तो अपनी अगर रोज भी चलता तो एक चलता, मगर ये डबल एपिसोड चल रहा है। नौ से अगर तो क्या ऐसा ड्रामा दोबारा बनेगा? हमायूं पे हाँ क्यों नहीं बनेगा यार ड्रामा, तो बात ये कि क्या ऐसे लोग इतना पसंद करेंगे
है ना, ड्रामा तो आप बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे ख्याल में यार जितने जेन्युइन हमारी आवाम है वो तो कोई हम उसका नेमो बदल हो ही नहीं सकता, बट आई गेस अगर कोई ऐसी चीज बनेगी तो बिल्कुल पसंद करेंगे यार, तो ऐसा ड्रामा बनेगा तो लोग पसंद करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, देखो बनाने चाहिए हमारे यहाँ अच्छे ड्रामे बनते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे होते हैं वो कम बनते हैं। ये मैं कोई देने वाले उसमें नहीं बोल रहा, ये मैं अदनान सिद्दीकी से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ कि कौन सुन रहा है और कौन क्या कर रहा है, लेकिन अच्छे ड्रामे कम बनते हैं, और अगर ड्रामे पे मेहनत की जाए, उसकी कहानी पे, उसके हर सीन पे, उसको ये सोच के बनाया जाए कि इसके अंदर लोगों के लिए क्या है और कैसे लोग इसके अंदर एंगेज होंगे ड्रामे में, और यू नो हर चीज आप बेस्ट लें उसमें, अदनान सिद्दीकी को लें उसमें, बेस्ट एक्टर्स को लें, अच्छे राइटर से लिखवाए, अच्छा डायरेक्टर हो। जो उस वक्त जो काम कर रहे हो वो बहुत दिल से कर रहे हो, रिहर्सल हुई भी हो। पता है मैं आपको एक और बात बताऊं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो यही है कि रिहर्सल्स खत्म हो गई यार। तुम्हें याद होगा तुमने तो खैर पीटीवी पे बहुत काम किया हुआ, उसके बाद आई थिंक मैंने जो शुरू के कुछ सीरियल्स किए थे मैरीन और मरीना के, यार वो रिहर्सल्स करवाती थी। अच्छा देखो मैंने मरीना के साथ काम नहीं किया, मगर मुझे अगर प्राइवेट प्रोडक्शन में अगर कुछ थोड़ा बहुत रिहर्सल याद है प्राइवेट दौर, वो सिर्फ मुझे मैरीन की याद है, मुझे तो नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आज तक किसी ने रिहर्सल की हो मुझे ये पता है। रीडिंग करवाएगी, मैंने बहुत अरसे से उसका काम नहीं किया, वो आज भी ऐसे करवाए यार, उससे इतना बेहतर हो जाती है परफॉर्मेंसेस, और आप समझ जाते हैं तो पता है कि वो क्या करने जा रहा है। अब तो लोग सेट पे जाते हैं, स्क्रिप्ट मिलता है, डाटा डाटा किया, अपना शॉट दिया और चले गए, आपको वो क्वालिटी कम नजर आती है एक्टिंग में भी, लिखाई में भी। वैसे हमारी एटलीस्ट तुम में या मेरे साथ के और भी जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट ये बात तो अभी भी है ना कि हम क्यों देते हैं और क्यों देते वक्त वहीं खड़े रहते हैं। अब तो ये भी हो गया कि आपने अपने डायलॉग्स दिए और जाके आप बैठ गए, असिस्टेंट आपकी क्यूज दे रहा है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। सेकेंडली सेकेंड मैं तुम्हें बताऊं, मैं पीटीवी का तुम्हें एक दौर याद दिलाता हूं। मैंने एक सीरियल किया जेबुन निसा सायरा के साथ, सायरा का यार वो भी क्या अंदर करो यार, वो क्या सीरियल था वाकई, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक दैट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एक्टिंग एज वेल। मुझे तो जब मैंने जब वो सीरियल उन्होंने मुझे दिया और उस वक्त सब बैठे हुए थे उनके कमरे में और देखे, उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट वापस छीन लिया, तो नहीं यार ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ वही अमीर बाप के बेटे बनो और वही ग्लैमरस रोल करो, तुम ये कहाँ करोगे यार। एक सीधा साधा मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का है, मुझे तुम कहाँ रखोगे और कहाँ सीधे बाल बनाओगे, तुम्हें तो अच्छे कपड़े पहनने और ये करो, नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तुम जाओ। तो बड़ा एम्बेरस हुआ मैं कि यार मरीना सानिया सब बैठे हुए उनके सामने, आप निजा बैठी हुई, आप मुझसे स्क्रिप्ट ले रही है, तो लिटरली हम स्क्रिप्ट छीन रहे थे, वो मुझसे छीन रहे थे, मैं उनसे छीन रहा था। मैं कह नहीं नहीं मैं करूंगा, कहते नहीं तुम नहीं करोगे, मैं कह मैं ही करूंगा, जाए अब कोई करके देखे। यार आखिर में जब वो खत्म हुआ है ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने ये तुमसे ही कराना था, बस आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ चैलेंज। जब तक वो चैलेंज तुम नहीं लोगे, जब तक यू विल नॉट स्टार्ट लिविंग इन दैट रोल, फिर वो किरदार नहीं होते वैसे। एंड वाकई ये दानिश का रोल था, मुझे भी ये जब शुरू में बात हो रही थी तो यही था कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, ये पता नहीं कैसे होगा, कैसे लगोगे, इतने मासूम कैसे लगोगे, लेकिन somehow तो हंसते हंसते हो जैसी आ जाती है।
यार मासूम तो हो तुम माशाल्लाह, इसमें क्या बात है यार, मैं तो तुम्हारी सच्चाई पे माशाल्लाह हंस रहा हूँ, कितना सच बोल रहे हो तुम। तो मगर नहीं, मैं भी ये बात कर रहा था तुम्हारे आने से पहले कि मैंने ऐसे बहुत कम ड्रामे देखे हैं जो सब पे इक्वली बैलेंस ड्रामा हो। अगर किसने क्या क्या मायूस मेमन है क्या, मैं एक जवाब दूं, मैं मेमन नहीं हूं भाई, मैं पंजाबी हूं, पंजाबी। गुस्से में क्यों कहा भाई मेमन नहीं हो? नहीं नहीं मैंने गुस्से में नहीं, मेमन नहीं हो मेमन, तो ऐसे खाऊं क्या और क्या, मेमन तो ऐसी क्या गया, मैं मेमन नहीं हूँ यार, नहीं हूँ यार, ऐसी बता रहा हूँ भाई। मेमन इनकी बेटर हाफ है, सुहेल क्या इनका ब्रदर लॉ है, नसीब मैं वो किससे बता नहीं सकता जो मुझे हमायों ने बताए हैं सुहेल के, और मेरे आंख से आंसू आ रहे थे जब वो मैं किससे सुन रहा था। और एक किससे जो तुमने अपने मामू के बताए हैं, वो चाचा के नहीं, मामू के, मामू के, मामू के नहीं, वो वाला कौन सा था, मेरे मामू के। हाँ यार वो थे, अच्छा वो मेरे शिदार थे, सादिक भाई, मेरे मामूजाद भाई। अब मैं करके कैसे दिखाऊं यार इतना। तो वो सांस रुको, वो उनके साथ हमारे ना एक कंपटीशन होता था, मैं दिखाना तो पड़ेगा यार। अच्छा वो कंपटीशन होता था कि वो सांस रोक के कौन सबसे ज्यादा गिनती गिनेगा, तो वो हमेशा जीत जाते थे। और वो जब वो सांस रोकते थे आई विश ये खड़ा हो जाए इधर, अब उनमें गिनती गिननी है तो करते थे हो गया उनका, मगर बड़ा मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है, बड़ा अच्छा वक्त। तो मैं बड़ा हमेशा प्रैंकर रहा हूं, तो उनके साथ भी मैंने बड़े प्रैंक किए हैं, तो वो इस हवाले से मुझे याद आ गया। मगर तुमने मेरे साथ भी बहुत सर्दी में, और जब बाहर शिकागो गए थे, हाँ तो भाइयों के साथ भी मैंने बहुत मजा किया। कर हम लोग ये टाइम बहुत हम ऐसे थे जैसे हम किसी और माइक पे, पहले वो नेक माइक नहीं लगते थे हमको, वो पहले बूम वाले माइक होते थे, याद है? हाँ एक नया एक्टर आया था, उसका नाम नहीं लूंगा, काजिम पाशा का ड्रामा था। अच्छा तो वो बेचारा घबराया बस बहुत ज्यादा, वो माइक की तरफ ऊपर देख रहा था, ये सर इसमें से आवाज चली जाएगी, ये तो इतनी ऊपर है माइक। मैंने कहा यार यार तुम बड़े जहीन आदमी हो यार, मुझे अच्छा लगा तुमने ये सवाल किया। कहते अच्छा है, हाँ सर मुझे, अब वो लोगों को मैं बता दूं, वो माइक एटलीस्ट हमसे 10 फीट ऊपर और होता था, और माइक ऊपर ऐसे वो बूम ऑपरेटर ऐसे ऐसे क्यों कर रहा होता था, माइक जिसके डायलॉग्स होता थे उसकी तरफ एंगल कर देता था। मैंने कहा यार जब काजिम साहब तुमको एक्शन कहेंगे ना, तुमने कुर्सी पे खड़े होके माइक की तरफ देख के अपने डायलॉग। वो कहता है ठीक है सर, थैंक यू सर, मेरा पहला सीन है, तो मैं प्रेस करूंगा सर को कि देखे मुझे अपना होमवर्क करके आया हूं मैं। काजिम साहब ने कहा एक्शन, वो खड़ा होके कुर्सी पे माइक की तरफ देख के मजाक हो रहा है, तो मैं तो इधर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर वो डायलॉग दे रहा है। तो फिर काजिम साहब पड़े कहते यार ये तुमने करवाया होगा। तो काजिम साहब की ऊपर से आवाज आती थी इतनी कोई गरजदार, बहुत उनके साथ भी मैंने बड़े प्रैंक किए, मगर वो नाराज हो गए थे एक दफा, तो अब मैंने उनसे माफी मांग ली थी ना आपके साथ।
किया था जो कि पीटीवी का था, वहां बन रहा था, तो ना एक पुलिस वाला मेरे साथ एक्टिंग कर रहा था, और मैं मेरा भी अभी पहला पहला एग्जाम था, और ये ऊपर बैठे ऊपर से इनकी आवाज आई एक्शन, तो अब जो वो पुलिस वाला जिसका इतना रोब और दबदबा था असली में, वो असली का एसएचओ था, लेकिन जब उसने एक्टिंग की ना, पहला शॉट जो उसने दिया ना मेरे सामने, बकायदा उसके मुंह कांपने लग गए, मैंने कहा यार ये अभी इतना हम इससे डर रहे थे कि असली पुलिस शहर के गर्म शहर
नहीं, गैरत उनके अंदर शहद डाल के पीजे।